अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, मगर सियासत के सीने में दिल का बाईपास ज़रूर हो सकता है। जहां लंदन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के दिल के 4 बाईपास हुए, वहीं पाकिस्तान में दिल था उसका भी हम मीडिया वालों ने, तज़ियाकारों ने और सियासतदानों ने खूब बाईपास किया। और इन दोनों कामयाब ऑपरेशनों के बाद अच्छी खबर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अब डॉक्टर ने उनको उनकी जो कंडीशन है इत्मीनान बख्श करा दी है। वो आईसीयू में मुंतकिल हो चुके हैं और कुछ अरसे तक वो वहाँ पे सख्त नगहदाश्त में रहेंगे। यहाँ पाकिस्तान में उनके हवाले से जितनी बातें हुई उसके बावजूद एक बात जो अच्छी हुई कि तमाम सियासतदानों ने, मुखालफीन ने, दोस्तों और दुश्मनों ने, मीडिया पे मौजूद भी दोस्तों और दुश्मनों ने उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगी और बज़ाहिर वो दुआएं भी कबूल होती नज़र आ रही हैं। ये एक अच्छी खबर है, मगर सूरत हाल कुछ ऐसी हुई कि एक दिन ऐसा भी गुज़रा कि जब मुल्क में वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नहीं थे और जो अमली तौर पर पाकिस्तान में सबसे ताकतवर शख्स जिसको कहा जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ, वो भी नहीं थे, वो भी टर्की में फौजी मशकों का मुआयना करने गए हुए थे और वहाँ पे मौजूद थे। लगता यूँ है कि शायद जिन लोगों की पाकिस्तान में मौजूदगी नागुज़ीर समझी जाती है, अमली तौर पे अगर हुकूमतें और उनके इदारे और आइनी इदारे अपना काम सही सही कर रहे हों तो शायद मामलात शख्सियात पे नहीं, अफराद पे नहीं, निज़ाम से चलते हैं और इदारों से चलते हैं, और इसमें भी शायद हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। कोई भी शख्स नागुज़ीर यकीनन नहीं। आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिल के कामयाब ऑपरेशन के बाद अब कितना मज़ीद अरसा लगेगा कि जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे, और उस दौरान पाकिस्तान के अंदर जो कानूनी और सियासी सूरत हाल है उसको कैसे निपटा जाएगा, हमारे इदारे और यहाँ पे मौजूद जो दूसरे बाख्तियार सियासतदान हैं या हुकाम हैं वो कैसे हुकूमती मामलात को संभालेंगे। हम मेहमानों का तारफ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा रहमानी, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भट्टी, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम असम्बली मुस्लिम लीग नून से, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर अख्तर बंदेशा जो कि चेयरमैन हैं शोबा अमराज़ कल्ब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के, हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। मेहमानों की एक दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही किसी न किसी तरीके से डॉक्टर हैं। शायदा प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमें बता रही थी कि ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जड़ी बूटियों से आप इलाज कर लेते हैं, मेडिसिन हर चीज़ का। और डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भट्टी भी MBBS डॉक्टर हैं और इनके हॉस्पिटल भी हैं और ये प्रैक्टिस दावा है प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। और डॉक्टर अख्तर बंदेशा तो इस वक्त पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो अमराज़ कल्ब का शोबा है उसके सरबराह हैं। तो तकनीकी एतबार से सियासतदान भी हमारे साथ मौजूद हैं और तीन डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मगर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले चंद जज्बात और चंद बातें उन सियासतदानों की आपको सुनाते हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऑपरेशन वाले दिन कुछ ख्याल का इजहार किया। वज़ीर आज़म साहब के लिए हम दुआगू हैं, अल्लाह उनको सियादत फरमाए। साथ साथ मेरी अपनी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह इस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर साहब अस्पताल के बिस्तर पे हैं तो एक लम्हे के लिए ये सोचने की तौफीक दे रहे कि 35 साल मैंने इस मुल्क पे हुकूमत की तो क्या मैं एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना सकता जहाँ पर पाकिस्तानी शहरी जो है अपना इलाज कर सके। ऑपरेशन कामयाब हुआ है और हम दुआगो हैं कि वो मुकम्मल सेहतयाब हो और मुल्क वापस आएँ। मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, सबकी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। सारी क्या सराही हैं, वज़ीर आज़म 3 महीने की छुट्टी भी ले सकते हैं और मुल्क चलता रहता है। ये तो जेन्युइनली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो गए हुए हैं। सियासत एक तरफ है हर इंसान के लिए कि जिस दुख में है, बीमारी में है, तकलीफ में, हम दुआ गो हैं वज़ीर आज़म को अल्लाह ताला सेहत दे। हम अल्लाह ताला के शुक्र गुजार हैं कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है। हम दुआ गो हैं कि वज़ीर आज़म सेहतमंद होकर दोबारा आके अपने मुल्क की खिदमत करें और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को सेहत कामला अता फरमाए और अल्लाह उनको सेहत दे। इसी तरह इस बीमार कौम के हाल पर भी हमने दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पर रहम करें। पाकिस्तान में आज
मामूल है हर कमेटी में, हर नशिस्त में, सरकारी नशिस्त में, कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत यादवी के लिए दुआ सब ने की। आपने सुना पाकिस्तान के मंतखब सियासतदान अराकीन कौमी असम्बली और सेनेटर हजरात किस तरीके से अपनी मुखालफतों को और सियासी मुखालफतों को बालाए ताक रख के वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सेहत के लिए दुआगो थे। ये एक बहुत अच्छा रुझान है यकीनी तौर पे, मगर सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ ही डॉक्टर साहब से करना चाहूँगा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और ख़ासकर जो इस्लामाबाद में इस वक्त एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर अख्तर बंदेशाह साहब। अभी तक की जो मालूमात आपके सामने आई हैं, तो आपके नज़दीक ये एग्जैक्टली मसला क्या था और अभी कितना दिन मज़ीद जो है डॉक्टरों को बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा? बेसिकली तो ये जो कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़, जो हार्ट मसल्स को जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं आर्टरीज़, उनमें आहिस्ता आहिस्ता तंगी आ जाती है, हम सब के आ रही होती है, किसी के पहले किसी के बाद में, और उस तंगी की वजह से हार्ट मसल्स को जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और जब हम चलते हैं या कोई काम करते हैं तो हार्ट हैज़ टू पंप मोर ब्लड, और जब ज़्यादा काम करना होता है तो उस वक्त ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर पाइप्स तंग हो तो उतना ब्लड नहीं पहुँचता हार्ट मसल्स को, और उससे सांस फूलता है या दर्द होता है, लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होना, ये दिस इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। हम अपने आम शहरियों को भी समझाना चाहते हैं, अगर सादा अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि दिल के शरियाने मियाँ साहब की जो थी वो तंग हो गई, मगर ये पहले भी इनके साथ एक दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है, तो ये चार बाईपास से क्या मुराद है? एक बात तो ये है कि ये जो पहले बाईपास हुआ था, पहले मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन 2011 में बेसिकली इनकी पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी, और जो वो ऑपरेशन हुआ था वो बेसिकली ये हुआ था कि प्रोबेबली इनको एट्रल फिब्रिलेशन थी, जो एरिथमियाज होता है उसका, ये वाली बीमारी नहीं है, वो और थी, और उसमें ये होता है कि एरिथमिया जहाँ से निकलता है पल्मोनरी वेन्स, वो बहुत थिन कैलिबर वेसल्स होती हैं, तो जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं वो उनके इर्द गिर्द बर्न लगाते हैं ताकि वहाँ से एरिथमिया नीचे हार्ट में ना आ सके और हार्ट की जो रफ्तार है वो रेगुलर रहे। तो जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इट्स अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन के कभी कभी वो बर्न जो है, अगर इट्स रेडियो फ्रिक्वेंसी बर्न है एक्चुअली, तो वो बर्न से वो आर्टरी जो है, वेन जो है, पल्मोनरी वेन, वो फट सकती होती है, और चार मेन आर्टरी वेन्स होती हैं जो कि 5 लीटर ब्लड हर मिनट में उनमें से गुजर रहा होता है, सो इट्स 1/4 ऑफ द ब्लड जो कि ब्लीडिंग, सो इट वॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग जिसके लिए उनकी खोल के तो फिर उसकी वो सर्जरी की गई थी, व्हाट आई रिमेंबर। और जो ब्लीडिंग कैसे हुई थी, गलती से हुई थी किसी, मतलब इट्स अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोसीजर जो हो जाती होती है, वो उसमें वो कोई नहीं। और बाईपास जो अब हुआ है इनका, वो आर्टरीज के लिए हुआ है, और चार बाईपास का मतलब ये है कि इनकी जो मुख्तलिफ जो रगें थीं, जो शरियाने जिनको आप कह रहे हैं, वो आर्टरीज, वो चार आर्टरीज को उन्होंने ग्राफ्ट लगाए हैं, उसमें ग्राफ्ट जो है वो यूजुअली पेशेंट से ही या टांग से वेन लेके, टांग से वेन जो है वो लेके तीन जगह पे वो लगा दी होगी, और एक मेन आर्टरी जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसको यूजुअली आर्टीरियर ग्राफ्ट लगा देते होते हैं, इंटरनल मेमोरी आर्टरी का लीमा जिसको हम कहते हैं, तो वो बड़ा कामयाब होता है। तो आसान अल्फाज में ये बताएं कि ये कितना रिस्क होता है, कितना ख़तरनाक होता है, और कितनी एहतियात करनी पड़ेगी अभी भी, और कितने दिन तक? ये जो 90% जो कार्डियोलॉजी में वर्क है वो यही है जो शरियानों से रिलेटेड जो है, और इसमें जो रिस्क ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड आफ्टर द उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं कि पहले उनका हार्ट अटैक तो नहीं खुदा ना खास्ता कोई हुआ हुआ, दिल कमज़ोर तो नहीं था, उसके साथ शुगर तो नहीं थी, उसके साथ कोई लंग्स का मसला तो नहीं था, उसके साथ कोई किडनीज फेलियर तो नहीं थे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो इस तरह से, और इसको हम एक अच्छा पेशेंट समझें, तो उसमें 2% चांसेस होते हैं खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग सर्जरी कोई सीरियस बात होने की। और अब जिस तरह इन रिकवरी हुई है, जो खबरों में आप भी बता रहे हैं और बाकी भी मीडिया में जो आ रहा है, तो इट वेंट वेरी स्मूथ एक्चुअली, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब इस तरह से प्रॉब्लम ना हो तो 24 to 48 hours फिर भी वो अहम होते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता होता है, इट्स अ मेजर सर्जरी, लेकिन यूजली अगर स्मूथ कोर्स रहे तो इस तरह के पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, और 48 hours के बाद उनको ICU से भी शिफ्ट कर सकते होते हैं जनरल। और
इन 5 to 7 डेज दे मे गो होम एक्चुअली. ठीक है, 5 to 7 डेज अगर होम हो तो एक शायद आम आदमी ये भी जानना चाहेगा कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद अगर ये ऑपरेशन लट से कि अभी 65 साल की उम्र में हो रहा है या 66 साल की, भट्टी साहब मियाँ साहब की उम्र जो है अभी 65 साल या 64 साल है, 64 है, तो इसके बाद का जो लाइफ स्पेन है वो कहाँ तक जाता है इस फिजिक के साथ, और क्या आप देखते हैं? देखें अगर उनको बाकी कोई इश्यूज नहीं, जैसे मैंने कहा सिगरेट वो शायद नहीं पीते, शुगर और लंग्स वगैरह ठीक हैं और किडनीज ठीक हैं, तो ये जो ग्राफ्ट्स हैं ये चलते हैं, बड़ा अच्छा चलते हैं. जो इंटरनल मेमोरी ग्राफ्ट है तो वो तो 20-25 साल भी आराम से अच्छा, चलता है. और जो वीनस ग्राफ्ट हैं वो भी अगर अच्छी तरीके से लगाए गए हैं और उसके बाद मेडिसिन वगैरह सही तरह से यूज़ करते रहें तो 10-15 साल. इनके ऊपर हुकूमती अमूर का स्ट्रेस जो है वो फर्क डालेगा? स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज. आप उनके सियासी मुखालफीन के लिए कोई मशवरा देंगे उन्हें कि कोई ज़्यादा दबाव ना डालें? जी वैसे भी मेरा ख्याल है कि दबाव नहीं डालना चाहिए, लेकिन ये पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता होता है कि कोई कुछ लोग स्ट्रेस को ज्यादा लेते हैं, कुछ इतनी ज्यादा नहीं लेते. वी डोंट नो. शायद आप सुन लें डॉक्टर साहब ने भी. अब मियाँ साहब को तो जो आप मशवरे देंगे, आप मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को, खुर्शीद शाह साहब को भी कुछ मशवरा दे दें आपके. उन्होंने बट्टी साहब आप क्योंकि खुद भी डॉक्टर हैं, आप सियासतदान भी हैं, हुक्मरान जमात से भी आपका ताल्लुक है. डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि एक पहले प्रोसीजर हुआ था मियाँ साहब का और उसमें कुछ बज़ाहिर कुछ गफलत हो गई थी और उनकी जान बड़ी मुश्किल से बचाई गई थी, वो क्या मामला था? आप थोड़े कुछ तफसीलात बताना चाहेंगे? जो तो मेरे नोट्स में है 2011 में मियाँ साहब के, ये मुझे जो इंफॉर्मेशन है, बहरहाल मैंने उनकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी, वो एंजियोग्राफी से एंजियोप्लास्टी पे गए थे, एंजियोप्लास्टी के लिए गए. जी हाँ जी, ठीक है. तो उस पर वो कोई ब्लीडिंग का इशू आ गया था और उसके बाद उनको इमरजेंसी में फिर ओपन हार्ट सर्जरी हुई. ये कौन सी जगह पे हुआ था? ये इधर ही हुआ था अपना लंदन में. अब अच्छा, मुझे हॉस्पिटल का नहीं पता कौन सा है, लेकिन लंदन में हुआ था 2011 में. ठीक है. अच्छा, तो मगर डॉक्टर साहब ये लंदन में भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी हैं, बड़े फेमस हैं. जी बिल्कुल. और पाकिस्तान के अंदर भी टेक्नोलॉजी तो मौजूद है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. पाकिस्तान में भी अब माशाल्लाह डॉक्टर साहब बैठे हैं, बड़े काबिल डॉक्टर हैं, ऐसा इशू नहीं है. लेकिन ये चूंकि मियाँ साहब का वहाँ दोबारा चेकअप, जो क्योंकि उस वक्त जो जिन डॉक्टर्स ने उनको कंडक्ट की थी सर्जरी, तो यकीनन जो पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो वो आपको डॉक्टर्स उससे अपनी डिजीज़ और पेशेंट से अवेयर होते हैं और नेचुरली आपका जो मेडिकल रिकॉर्ड, आपका जो आपका सर्जिकल प्रोसीजर जिस डॉक्टर ने कंडक्ट किया होता है तो फिर प्रेफरेंस उसी की होती है. वैसे आप तो मियां साहब को बड़े क्लोजली जानते होंगे, वो कितना दबाव बर्दाश्त कर लेते हैं? वैसे आप मुझे ये बताएं सियासी दबाव कितना बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं? एक छोटी सी बात सुने, कल आप ईमानदार से अपनी वो निकाल लें टीवी पे, कल जब वो कैबिनेट वीडियो लिंक कर रहे थे कैबिनेट की मीटिंग का और इक्तसादी काउंसिल का, तो उस वक्त आपको मियाँ साहब क्या हशाश बिशाश नजर नहीं आ रहे थे? और मेरी अब और जिस देखें जिस बंदे ने इस टेस्ट में जा रहे थे, आप मुझे कोई दिखा दें जितने भी डॉक्टर साहब बैठे हैं, जितने भी लोग आज तक कार्डिक सर्जरी में गए हैं, कम से कम 24 आवर्स बैठे हैं. फिर वो जनाब वो क्या क्या उनकी कहानियाँ होती हैं और लोग कमज़ोर दिल होते हैं. माशाल्लाह मियाँ साहब कल देखे कितने घंटे पहले उन्होंने मीटिंग, कितने घंटे पहले वो सर्जरी से हॉस्पिटल गए हैं. ये उनकी विल पावर थी और ये उनकी विल पावर थी कि 3 वेसल्स डिजीज़ और 4 वेसल्स डिजीज़ के बावजूद उन्होंने आज उनको, हालांकि ये नीडेड 2 साल पहले की थी, तो उन्होंने आपके यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल पूरे जल से पूरा अपना काम सरकारी काम करते रहे हैं. तो यही विल पावर होती है और क्या विल पावर होती है. बतौर सियासतदान मियाँ साहब के एक हलीफ, उनके साथी और बतौर डॉक्टर, आप मियाँ साहब को तो जो मशवरे देंगे, खान साहब को और जरदारी साहब को आप तो मशवरा देना चाहेंगे मियाँ साहब की सेहत के? देखो वो बड़े लोग हैं जी, हम मशवरे देने वाले, हम तो आम से वर्कर हैं. लेकिन मैं एक चीज़ बात बता दूं
कि ये डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, ये कोई भी ऐसा इशू नहीं है। खुदा न खास्ता मुझे अभी एक कोई दोस्त बता रहे थे काजी हुसैन अहमद जो थे, उनके 7 times उनकी ये सर्जरी हुई है। मैं मुझे कोई जमात के कोई दोस्त बता रहे थे, पता नहीं इसमें क्या अटैक है, मुझे इसमें कितने अटैक हैं मैं उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर, लेकिन मुझे दोस्त जमात के बता रहे थे। तो ये एक मैं आपको बताऊँ, ये एक आप ज़िंदगी का हिस्सा होता है, और इसमें कोई ऐसी खुदा न खास्ता नहीं है। मुझे वो प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि काजी साहब का शायद 3 times बाईपास हुआ। चलो जो बाईपास 3 times भी हो, चलो 3 times तो हुआ है ना। अच्छा चलो ऐसे कह लो जी 3 times हुआ है तो। लेकिन आपको पता है काजी साहब आखिरी उम्र तक बड़े एक्टिव रहे हैं और उन्होंने नहीं, मगर आप इमरान खान साहब से या जरदारी साहब से कोई तवक्को रखते हैं कि थोड़ा हाथ होला रखें? देखिए मैं जरदारी साहब का मेरे ख्याल में तो हुआ हुआ है, ओपन आर्ट नहीं हुआ तो स्टंट होगा ये। इस स्टंट तो होगा वैसे, मेरी बात सुने। ये देखें जी 50 above डॉक्टर साहब बैठे हैं और मैं भी डॉक्टर हूँ, अबव 50 आपके तकरीबन बहुत सारे लोग, अगर कोई ना करवाए उसकी मर्ज़ी की बात है, आप भी करा लेंगे ना अभी अपनी एंजियोग्राफी तो आपको भी डॉक्टर कहेंगे तो आपकी एंजियोप्लास्टी होनी है। तो ये मैं सही बता रहा हूँ, ये ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि चूँकि चीज़ें सर्जरी में चली गई, बाईपास का मतलब ये है कि आपकी जो वेसल्स ब्लॉक थी, तो जैसे आपका वो, मैं एज ए डॉक्टर बात कर रहा हूँ, तो वो आपके जो आपका रूट्स हैं उसको ग्राफ्ट कर दिया गया और आपके ब्लड से आप जो है उसमें कोई अल्लाह ताला उनकी जिंदगी से दे। मेरी बात सुनो, अगर किसी का जहन ये होना कि मियां साहब की बाद सर्जरी के बाद कोई वजीर आजम बन जाएगा, तो वो मेरे ख्याल में अपनी शेरवानी को अभी तक अपनी अलमारी में रखे। इंशाल्लाह मियां साहब ही ये फराइज सर अंजाम देंगे। नहीं, वैसे एक बात है कि मियां साहब की जिंदगी जो है वो वजारत उज़्मा से ज्यादा कीमती है। नहीं तो ये आपको भी जहन में रखना चाहिए। देखें मेरी बात सुनो, कैसी कोई ऐसी अमूरे हुकूमत जो होते हैं उसमें कोई ऐसी हैंडीकैप नहीं हुए, खुदा न खास्ता कोई उनका ऐसा इशू हुआ। देखें लोग क्या क्या बना रहे, एनेस्थीसिया में आउट हो गए हैं, 2 to 3 days से आईसीयू में रहेंगे। आईसीयू आपको पता है जो भी पेशेंट, चले ये तो रूटीन है, वो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि उनकी निगहदाश्त होगी। शायद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तो वैसे ही इल्जाम लगता है कि वो हर ऐसे मामले में जो है ना पीटीआई को होम्योपैथिक किस्म का मशवरा दे देते हैं। आप खुद भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो आप समझती हैं कि सियासत के सीने में इस हद तक तो दिल होना चाहिए कि जब वजीर आजम का इतना बड़ा ऑपरेशन हो तो अपोजिशन को थोड़ा सा हाथ खुला रखना चाहिए, आपके ख्याल में? देखिए सबसे पहले तो हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याबी अता करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और पाकिस्तानी कौम उनके लिए, आज देखा कल हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसे के दौरान उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की, और पूरी कौम अपोजिशन हो चाहे मतलब हुकूमती हो, तमाम के तमाम उनकी सेहत याबी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सेहत याब होकर वतन वापस लौटेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को उसी तरीके से संभालेंगे। आप लोगों ने हाथ होला नहीं रखना। देखें सियासत अपनी जगह, नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह, और जहाँ तक रहा एक दूसरे की दुख तकलीफ़ में, हम बींग ए नेशन इंसानियत के नाते हमें खड़े होना चाहिए। हम सब आपस में पहले पाकिस्तान इंसान, फिर मुसलमान, फिर पाकिस्तानी, सारी चीज़ें हैं तो मिलकर एक बेहतरीन माशरा बनता है। हम असम्बली में बैठ के साथ काम करते हैं, साथ लेजिस्लेशन करते हैं और काम कर रहे होते हैं। जहाँ इख्तलाफ होता है वो अपनी जगह है, इख्तलाफात ही तो हर बंदे का, हर बंदे का अपना है, हर पार्टी का अपना है। यही जमहूरियत की खूबसूरती है। तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब की तबीयत खराब हुई। मैं ये समझती हूँ कि जमहूरियत की खूबसूरती आपने डाला ना। देखिए अपोजिशन का काम है, अपोजिशन का काम है, जहाँ आप गलती करेंगे वहाँ आपकी निशानदेही भी करेगी हुकूमत की गलती। मतलब अपोजिशन वज़ीर आज़म की सेहत की जिम्मेदार नहीं है? नहीं, देखिए उनका अचानक इस तरीके से बीमार हो जाना, हालांकि इस वक्त जबकि अब बजट सर पर था और बीमारी अल्लाह की तरफ से थी, आज वो बीमार हो गए, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। डॉक्टर साहब मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे ये बता दें, हम ब्रेक पर भी जाना है, आपके ख्याल में ये जो मियाँ साहब की जो फिजीक है और जो सेकेंड टाइम ये बड़ा ऑपरेशन हुआ है, क्या इसके बाद अमूरे ममलकत जो है उनको संभालना वज़ीर आज़म साहब के लिए मुमकिन होगा, या आप उन्हें, अगर पर्सनल उनके मौलिज होते तो आप उन्हें क्या मशवरा देते?
मैं उनको ये तो डेफिनेटली कहता कि जी स्ट्रेस से बचें, लेकिन ये है कि हर मैंने जैसे पहले भी कहा कि स्ट्रेस इट डिपेंड्स कि आप कितना स्ट्रेस को लेते हैं। जिस तरह एक पेन थ्रेशोल्ड है ना, कि कुछ लोग हैं उनको थोड़ा सा भी कोई तकलीफ हो तो बहुत दर्द होता है, और दूसरे हैं उनका अगर कोई चीज़ भी कट जाए तो उनको दर्द नहीं वो फील करते, मतलब पेन थ्रेशोल्ड होता है, इस तरह स्ट्रेस का थ्रेशोल्ड है। सो इफ़ यू कैन टेक एंड ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ही शुड हैव करूं, लेकिन आपने बात उनसे भी की और वो मैं समझता हूं कि जो भी सियासतदान है वो ठीक है, सियासत में हुकूमत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पाकिस्तान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई सियासतदान ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए मियां साहब को टफ टाइम देना ज़रूरी है तो इट्स देयर ड्यूटी, और अगर मियां साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए टफ टाइम लेना है तो इट्स हिज ड्यूटी बीइंग प्राइम मिनिस्टर। सो मेरा ख्याल है ये सारी रूटीन की बातें होनी चाहिए, तो जान पे खेल जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे फौजी खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, पूरी कौम खेल रही है, तो जान तो सबकी पाकिस्तान के लिए है ना, और मियाँ साहब की भी माशाल्लाह जान उसी के लिए, और इस चीज़ को साबित भी कर चुके हैं। बड़ा जो मैंने देखा है कि बड़ा मुश्किल काम है सियासत भी और ये सारा कुछ मुल्क चलाना, और पाकिस्तान पाकिस्तान के मसाइल भी देखें, पूरी दुनिया के मुल्कों का हम देखते हैं, हम किस तरह से हमारे दुश्मन किस तरह के हैं। डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, क्योंकि अब मसला ये है कि डॉक्टर्स भी हैं सब, आप शहरी और ये सियासतदान भी हैं, तो दोनों पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस दिलचस्प मौके बैक अपने अपने गरबान में हम बात कर रहे हैं लंदन में होने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दिल के बाईपास ऑपरेशन के हवाले से, मगर यहाँ पाकिस्तान में भी जो सियासत के सीने में दिल था बज़ाहिर उसका भी कामयाब ऑपरेशन हो रहा है। शाहिदा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तासर ये है कि पाकिस्तान में भी पनामा स्कैंडल का बाईपास हो गया और वो मामला जो है दब गया है, तो आप क्या समझती हैं कि सियासी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस बड़े ऑपरेशन की वजह से वो जो करप्शन के हवाले से अपोजिशन का एक ऑपरेशन था वो किस हद तक मुतासर हुआ है? देखिए, आप इसको ये नहीं कह सकते कि मामला दब गया, आज भी आप देखेंगे डेडलॉक आ गया है डायलॉग्स में, जो एसएम पार्लियामेंटेरियंस की एक कमेटी बनी थी जिसके अंदर छः मेंबर्स थे 12 मेंबर्स के ऊपर, तो उसमें डायलॉग्स शुरू हुए और आज उसमें डेडलॉक क्यों आया? हुकूमत के अपने रवैये की वजह से, वो चीज़ अपनी जगह, सियासत अपनी जगह चलेगी, जो प्राइम मिनिस्टर या उनकी फैमिली का जो एहतसाब है या जिन लोगों की लिस्टें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, खा मेरी पार्टी के हों, इनकी पार्टी के, उनका हिसाब देना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए कौम के सामने। और पहली मर्तबा जब अपोजिशन इस बात पर मुत्तहिद हुई है, खबर पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, MKM, तमाम सियासी जमातें इस नुक्ते पे मुत्तफिक हैं, और जो TORs में बने हैं उसके अंदर ये बात है। लेकिन हुकूमत, चूँकि हुकूमती अराकीन जो है उसमें, वो इसमें डेडलॉक पैदा कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो फैमिली इसमें इन्वॉल्व है या इल्ज़ाम की जद में, अगर होना तो ये चाहिए कि वो आकर उसको जवाब दें और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उसको साबित किया जाए। फॉर एग्जांपल, मेरे ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगता है तो जब तक मैं उसे क्लियर नहीं करूँगी मैं मुतमिन कैसे हो सकती हूँ? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी फैमिली, डेडलॉक खत्म हो गया, डेडलॉक हो गया। देखिए, डेडलॉक आज आया है, जिसको एतज़ाज़ एहसन साहब ने मीडिया ब्रीफिंग भी दी है, और ये हुकूमती अराकीन की रवैयों की वजह से आया है। इनके चंद अराकीन ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी फैमिली को एहतसाब के लिए पेश करें, या पानामा लीक्स के ऊपर जो कुछ रिजर्वेशन है जो आवाम चाह रही है उसके मुताबिक। अब तो प्राइम मिनिस्टर के चाहने ना चाहने का इशू नहीं है, क्योंकि वो तो इस वक्त चाहने ना चाहने वाला है। लेकिन देखें, प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कमेटी जो बनी है वो मेंबरान हुकूमती 6 मेंबरान से और अपोजिशन, ठीक है, उनको चाहिए कि वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। प्राइम मिनिस्टर को अगर वो चाहते हैं उनकी फैमिली को क्लियर करना चाहते हैं, आप देखें वो किससे इंस्ट्रक्शंस लें, उनका तो लीडर ही इसहाक डार साहब माशाल्लाह फुल इंस्ट्रक्शन वो खुद देते हैं, वो क्या लेंगे इंस्ट्रक्शन? अच्छा। इसके अलावा जो तमाम मेंबर्स हैं वो सब सीनियर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर ही उनको बनाकर अगर गए हैं तो उनको चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर का को उनकी पोजीशन को क्लियर करें।
वजह ना कि वो मामलात को मबहम बना दें, मामलात को मशकूक बना दें। कितना टाइम देंगे आप नून लीग को, हुकूमत को? देखें टाइम की बात है कि जब उस पर बातचीत होगी, उस टीआरओ पे बात हो और उनके ऊपर बैठें और उसके ऊपर अमल इम्प्लीमेंट हो, वहाँ तो बात ही नहीं शुरू हो रही है, शुरू से ही डेडलॉक पैदा हो गया। असल चीज तो यह है कि हुकूमत को अपने रवैये में लचक पैदा करनी चाहिए। कि पीपल पार्टी और नून लीग मिलकर डेडलॉक पैदा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिशन पीपल्स पार्टी और पीटीआई तमाम अपोजिशन की जमातें इस वक्त इस नुक्ते पे मुत्तहिद हैं और मुत्तफिक हैं, और वो चाह रही हैं कि जो भी ये पानामा लीक के हवाले से जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो क्लियर हो, और उसमें जो भी शामिल है, जिनकी जितने भी अफराद की लिस्ट है, किसी से भी कोई ताल्लुक रखता है, लेकिन उनको क्लियर होना चाहिए। बड़े साहब, क्या इसहाक डार के पास पार्टी के अंदर और हुकूमत में इतने अख्तियारात हैं कि वो वज़ीर आज़म की इस इलाज मुआलजे के दौरान जब उनसे रबता या इंस्ट्रक्शन लेना मुमकिन नहीं, वो अहम फैसले कर सकें? और आप तवक्कु करते हैं अपोजिशन से कि कुछ वक्त दिया जाए हुक्मरान जमात को इस हवाले से? नहीं, ऐसी पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जब मियाँ साहब का तो सर्जरी आज हुई है, इससे पहले देखे मियाँ साहब असम्बली में आए, जब मियाँ साहब असम्बली में आए तो उन्होंने वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे वो आराम से खिसक गए, मेरी बात, और उन्होंने कोई जवाबी बात ना की। इसके बाद कमेटी बन गई। अब जब कमेटी बनती है तो अपोजिशन क्या करती है? अपोजिशन कहती है जी जी हमारी ऑफशोर कंपनी हलाल है, आपकी हराम है। मेरी बात एक मिनट। दूसरा ये कहती है कि जिन्होंने कर्जे माफ़ किए हुए हैं उसके टी आर ना बनाओ जी, जो कहते हैं जी जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों को ना छेड़ो जी, वो कहते हैं अलीम खान की कंपनियों को ना छेड़ो जी। सिर्फ एक स्पेसिफिक इत्साब चाहती है कि वो सिर्फ मियाँ साहब की फैमिली पे ही एलिगेशंस पे बात करें। हम ये चाहते हैं, हुकूमत का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब की फैमिली तो उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया होना चाहिए। मेरी आप बात, डेढ़ लाख हो गया? नहीं नहीं, कोई नहीं लाया। मेरी आप बात, डेढ़ लाख नहीं हुआ, तरीकाकार की बात है। देखें, हम तो चाहते हैं कि मियाँ साहब की फैमिली का भी एहतसाब हो, हमारे सारे लोगों का एहतसाब हो, लेकिन भाई साथ आप जो आप पहले आप भी साथ असम्बली में बैठे हैं तो जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए या जस्टिस फॉर वन होना चाहिए? हमारा नुक्ता नज़र ये है कि ये जब भी आते हैं ये इस पे फटा डाल कर निकल जाते हैं। आपको थोड़ा इसमें इसमें ये फर्क जस्ट फॉर ऑल होना चाहिए। आप मौलिक तमाम मौलिक की तवक्को कर रहे हैं अपोजिशन से? नहीं नहीं, हमें मौलिक थोड़ा इंतजार कर लें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें, इंसानी बुनियादों पर मैं आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, मतलब ये बड़ा नाजुक मरला है। आपके वजीर आला अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात सुनो, अगर आप ये अगर हमने भागना होता, मेरी आप बात नहीं, भाग तो नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि आप मेरी आप बात सुनो, रखते हैं इनसे। आज प्राइम मिनिस्टर का देखें ऑपरेशन 12 बजे शुरू हुआ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और 4-5 बजे ख़त्म हुआ, 4-5 घंटे की सर्जरी थी, लेकिन ऐन उसी वक्त जबकि वो सर्जरी हो रही थी, ऐन उसी वक्त आपकी हमने नहीं रिफ्यूज़ किया, उस वक्त इस पे टी ओ आर पे मीटिंग हो रही थी, नहीं होनी चाहिए, हमें मेरी बात, हमने एक दिन भी नहीं मांगा कि यार एक दिन दे दो, हमने नहीं मांगा। क्यों? इसलिए कि हमें कोई ऐसी हमारे में रोला नहीं था। इनका रोला क्या है? ये कहते हैं भाई हमने जो खाया, हमने जो पिया, हमने ऑफशोर बनाई, हमने जो कर्जे माफ कराए, हमें ना पूछो। हाँ जी, ये खुद ही जो अपोजिशन है वो इसकी तहकीकात ही नहीं चाहती, वो इसलिए कि इनके सारे उसमें आ जाने हैं। ये माशाल्लाह इनका 70-80% जो है ना, अब ये असेंबली में जो बैठी हुई हैं ये अपोजिशन की जमातें, और ये समझते हैं कि ये हमारे बड़े साफ सुथरे नला दुला के अभी जमजम में बिठाए हुए हैं, ये इनमें 70% आ जाने हैं, ये इसलिए दौड़ते हैं, ये कहते हैं कि हो ही ना, और बाहर आके बयान दे देते हैं जी डेढ़ लाख पैदा हो गया। हम नहीं कहते, हमने तो कहते हैं फिर वो सवाल दोहराऊंगा आपसे, क्या आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जो पेशेंट के जो अहले खाना होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं या मुखालफीन होते हैं, आपके ख्याल में, आपने पहले जवाब तो दे दिया कि अगर वो समझते हैं तो स्टैंड लें, मगर क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन एंगल होना चाहिए? दे शुड बी पोलाइट एंड दे शुड नॉट बी इतना सख्ती, किस लिए? नहीं, लोग हैं, सारा कुछ है, और वो और क्या ऐसा कि सियासी तहरीकों की वजह से भी हुक्मरानों पर
उन पे दिल पे दबाव पड़ सकता है या असर पड़ सकता है? मतलब गवर्नमेंट एक बड़ी चीज़ होती है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के उस पर होता ना, इस तरह गवर्नमेंट्स जाती हैं ना प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, हम जो अपनी जो हिस्ट्री देख रहे हैं, और गवर्नमेंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग थिंग, और लेकिन ये है कि स्ट्रेस क्या है, महीना और गुजर जाएगा या कुछ और, मुझे नहीं पता किया जा सकता है। मेरा तो ख्याल है जो हमारी जो एक जनरल पब्लिक की जो है कि ये वो वाले तो इश्यूज हैं नहीं, सपोज अगर आज इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से भी है तो वो भी कौन सा इस 15-20 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जानी है सारा कुछ है। तो आप कहते हैं कि थोड़ा सा डिले किया जा सकता है? यस बिल्कुल, और क्योंकि देखें एक क्रिटिकल सर्जरी हुई है उसमें हीलिंग प्रोसेस है, 15-20 दिन महीना तो कम अज कम लगता है अंधे को अपने उसमें ऑफिस में आने में, हैं वो हील हो रहे हैं, फिर एक जो रिकवरी फेज है वो शुरू हो जाती है इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी अपने करियर में एज अ डॉक्टर मेडिकल लीगो रिपोर्टें जो होते हैं, जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई जुर्म होता है, कोई मामलात होते हैं, तो डॉक्टरों को भी अदालतों में पेश होना पड़ता है, तो आपके ख्याल में जब कोई अथॉरिटी वाला शख्स जो है जिसके अथॉरिटी के बगैर बहुत से मामलात नहीं चल सकते, जब वो इस मेडिकली इस कंडीशन में ना हो कि वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता हो, तो क्या लीगल पोजीशन होती है? डॉक्टर्स जो हैं वो आम तौर पे फॉर इंस्टेंस एक बेहोश शख्स जो है उसकी एक्सरसाइज ऑफ पावर को वो कोर्ट में कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप? जी बिल्कुल, ये इसमें इट्स अ वेरी क्लियर पॉइंट एक्चुअली। एक तो वही है कि अगर वो आदमी जब उसमें नहीं है तो गवर्नमेंट्स के अपने सिस्टम्स हैं कि एक अगर आदमी नहीं है खुदा न खास्ता एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम, ये तो चले एक प्लान सर्जरी थी, बट इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग एक्सीडेंटली तो उसको भी पीछे एक पूरा सिस्टम होता है, ये नहीं होता वो मुल्क कोलैप्स नहीं करते अल्लाह रहम करे। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक बंदा है वो बीमार है, और कब आपकी बात यह है कि डॉक्टर कब कहेंगे कि ही शुड नॉट अटेंड हिज ऑफिस, वो उसके लिए फिर पूरा एक प्रोटोकॉल है जिसमें न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट, वो सारा एक पैनल वो फिर उसको एवेलुएट करता है, एंड दैट्स अ मल्टी टीयर एक्चुअली कॉन्फ्रेंसिंग है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड देन दे डिसाइड कि ये अपना ऑफिस अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दैट्स क्या पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए था? नहीं, ये तो सजेस्ट करते कि क्या ये तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट अ प्रोफेशनल क्वेश्चन। मेरा ख्याल है नहीं, मतलब आप मेडिकल रूल्स क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के बारे में रूल्स क्या कहते हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो इंपॉर्टेंट ओहदों पे होते हैं जो शायद अपनी बीमारी छुपाते भी होंगे, जी जी, तो वो रूल्स क्या कहते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को फोर्स किया जा सकता है या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को टू अपीयर बिफोर अ मेडिकल बोर्ड? यस बिल्कुल किया जा सकता है, अगर कोई ऐसा है कि उसमें कोई ऐसी डेफिशिएंसी नजर आ रही है कि दे आर इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, तो वो किया जा सकता है। लेकिन अगर एक ऑफिसर जो है वो छुट्टी पे है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर, अब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो भी छुट्टी पे तो जाता ही होगा ना, एंड दे हैव देयर ओन, तो उस वक्त अल्टरनेट क्या सिस्टम्स हैं वो तो नहीं, लेकिन क्या मेडिकल बोर्ड ये वेलकम बैक अपना अपना गरिबान में हम बात कर रहे हैं लंदन में वजीर आजम पाकिस्तान के कामयाब बाईपास ऑपरेशन के हवाले से। डॉक्टर अख्तर बंदेशा, आपसे सवाल मेडिकल बोर्ड के हवाले से था कि जब अहम शख्सियात पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जिनके पास आइनी और कानूनी अख्तियार होते हैं, मिसाल के तौर पे अटर्नी जनरल हैं, मिसाल के तौर पे कोई मिनिस्टर हैं, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनकी जो है मेडिकल कंडीशन वो ठीक नहीं है, तो कौन सी अथॉरिटी है जो ऑर्डर कर सकती है कि भाई आप इनका मेडिकल बोर्ड करें, और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से क्या रूल्स हैं? देखें, एक तो जो ऑफिसेज हैं डिफरेंट वही करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दीज आर कोर्ट्स एक्चुअली जो डिसाइड करती हैं। जैसे हमें बहुत दफ़ा कोर्ट्स की तरफ से ये बोर्ड बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन एक्चुअली के जाएं और इनकी बीमारी से मुतालिक जो है वो करें, असेस करें और अपनी रिपोर्ट दें। सो डॉक्टर्स की खुद स्पॉन्टेनियसली नहीं इनिशिएट करते कि मैं समझूं कि जी कोई भी बंदा जो है वो ठीक नहीं अपने ऑफिस में अटेंड कर सकता तो मैं उसको बोर्ड इनिशिएट कर दूं। और इस इवन दूसरी तरफ देखें कि एक बंदा है वो अपना काम नहीं कर सकता, वो अपने डिपार्टमेंट को लिखता है कि जी मेरा मेडिकल बोर्ड करवाया जाए, वो जो उनका डिपार्टमेंट है वो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को लिखता है कि इनके लिए बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करके तो बनाया जाए कि जी कर सकते हैं अपनी ड्यूटी या नहीं कर सकते। मगर सच्ची बात बताएं, बड़े बड़े अहम सरकारी अफसरान जो हैं अपनी बीमारियाँ छुपाते भी हैं। इट्स नेचुरल,
मेरा ख्याल है इल्लीगल आल्सो इल्लीगल कैसे आप कैसे मतलब कोई ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जहां पे फिट होना मेडिकली फिट होना मस्ट होता है यस तो अगर आप बीमारी छुपा रहे हैं सिर्फ अपनी नौकरी के लिए वो तो जुर्म है बिल्कुल लेकिन ये है कि देयर आर सिस्टम्स मेडिकल रेगुलर मेडिकल चेकअप्स अब जैसे आर्मी है एक पायलट है या एक पब्लिक सर्विस ड्राइवर है तो उनके फ्रीक्वेंट चेकअप्स ये बहुत ज़रूरी हैं और वो चेकअप्स जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट से मैंने कार्डियोलॉजिस्ट ने भी करना है एक फाइटर जेट चला रहा है F-16 तो उसको उसके अपने ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं कि वो आपको बता रहे हैं ऐसा होता है कि डिसिप्लिन फोर्सेस के जो आला अफसरान होते हैं वो प्राइवेटली भी आपके पास आते हैं बिल्कुल क्यों आते हैं प्राइवेट वो यही होता है ना कि दे डू नॉट लेट दोस थिंग्स वो नहीं चाहते कि उनके इदारे को पता चले और ये हो रहा है बिल्कुल हमारे एक्सपीरियंस में ये आती हैं चीज़ें इस तरह की चीज़ें आप लोग ये रिपोर्ट करने के पाबंद नहीं हो नहीं अभी नॉट हमारे पास एक प्राइवेट पेशेंट आया हमने तो उसको पेशेंट को देखना पेशेंट हम पेशेंट्स के ऊपर हैं हमारा काम पेशेंट्स अच्छा ये बताएं कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से असूली तौर पर क्या पाकिस्तान के अंदर मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए या था मेरा नहीं मुझे नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन कोई ना कानून में समझता हूँ इसके बारे में ना मेरी देखिए मेडिकल बोर्ड के वाले मैं बिल्कुल मेडिकल रूल्स क्या है मैं रूल्स ही बता रहा हूँ आप पाकिस्तान का आइन मानेंगे ना कि नहीं मानेंगे पाकिस्तान के कानून मानेंगे देखिए मैं आपको दो तीन चीज़ें हैं एक है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक है गवर्नमेंट ऑफिशियल सिविल एक है आपकी आर्मड फोर्सेस अब तीनों पे एक अलहदा चीज़ें आती हैं आर्मड फोर्सेस का जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया है कि उनकी एक अपनी एक फाइटिंग उनकी कैपेबिलिटी उनका फ्लाई फिटनेस का मायार है उनका एक अपना मायार है उसमें उनका रेगुलर चेकअप होता है उनका अपने हॉस्पिटल्स हैं उनके अपने डॉक्टर्स हैं उनके जो बंदा अनफिट हो उसको अनफिट करके वो उससे रिटायर कर देते हैं नंबर वन दूसरा आ गया आपका गवर्नमेंट सर्वेंट्स जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स नौकरी ज्वाइन करता है तो उसका सबसे पहले एक मेडिकल बोर्ड होता है उसकी आईज को चेक किया जाता है उसका सारा ये करने के बाद उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट हो जाता है उसके बाद उसकी आ गया मसला कि वो दो साल बाद पाँच साल बाद दस बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या मैं तीसरी उधर ही आऊँगा ना बड़े जल्दी में पड़ गया ना तो वो उसका शुगर वगैरह हो गई या कुछ हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका एक सेक्रेटरी है उसको शुगर हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको आप मेडिकल बोर्ड करके अनफिट करके भेज दें अगर वो अनफिट होगा तो उसको भेजेंगे आप अगर उसका खुदा न खास्ता वो इनकैपेबल टू डिलीवर या उसकी अपनी कोई ऐसी बीमारी ऐसी है जो तो उसकी डिसेबिलिटी पे जाएगी तो तब वो ठीक है तब तीसरी आ गई आप प्राइम मिनिस्टर पब्लिक वही ना प्राइम पब्लिक ऑफिस होल्डर देखो पब्लिक मैं जैसे MNA है MPA है मिनिस्टर है इनके रूल्स हैं कोई मैं आपको बताऊं इनका किसी किस्म का जब आपका आप देते हैं कागज नामजदगी या MNA MPA बनते हैं या आप ओथ लेते हैं ठीक है तो इनमें नहीं है कि उनका मेडिकल बोर्ड हो मैं आपको बताऊं अच्छा। मैं रूल की बात बता रहा हूं किसी जगह पे नहीं है कि जी आप पहले चेक करें आपको शुगर है तो जी आप MNA नहीं बन सकते आपका ब्लड प्रेशर है तो आप MPA नहीं बन सकते और अगर आपका बाईपास सर्जरी है तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं अगर किसी को नफसियाती सिर्फ 2 मिनट रह गए अच्छा उसमें ये होता है कि आपका जो आईन है वो ये कहता है कि अगर आप इनकैपेबल हैं इनकैपेबल इन वही आपके आप माइंड आपका दिमाग जो है वो इस सेंस में नहीं है आप इस काबिल ही नहीं है मेरी आप बात सुन लें आपका दिमाग या आप कोई भी सूझबूझ खत्म हो गई है यानी मैडनेस हो गई है जिसको आप कह लें आपको माइंड खत्म हो गया है तो इस पे उस पे शुगर ब्लड प्रेशर बाईपास ये वो इस पे कोई है नहीं वो सिर्फ इस चीज पे है कि अगर आप दिमागी बीमारी उस पे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं उसके लिए रूल्स क्या हैं कौन मेडिकल बोर्ड बनाएगा उसके क्या होगा मैं आपको एक बात टू वेरीफाई मैं आपको एक मैं छोटी सी बात मैं आपको छोटी सी बात बताऊं जिसका ये इतना मसला हो आ जाए ना वो एक दिन भी नहीं निकाल सकता मेरे भाई वो आपको उसने उसमें क्या और वो भी पाकिस्तान जैसे वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बताऊं मेरी बहन बैठी है मेरी बात सुनो आप कहते हैं यहां पे तो इल्जाम ये लोग दोनों साल निकाल आपको याद हो पिछले दौर में मीडिया पे एक चलती रही
जब जरदारी साहब का को कोर्ट में था तो वो वहां से कोई मेडिकल भेजते थे मेरी आप, तो मीडिया ने ये चीज भी हाईलाइट वो सर्टिफिकेट मेडिकल जरदारी साहब के मेडिकल से मेरी बात सुनो वो तो नहीं मैं आपको वो तनकीद नहीं कर रहा तनकीद नहीं कर रहे लेकिन मेरी बात नहीं कर रहे नहीं लेकिन उन्होंने अपने फराइज 5 साल बतौर प्रेसिडेंट सर अंजाम दिए और वो और बाहसन बाहसन हां क्यों शायद वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट जरदारी साहब पेश करते रहे अपनी अदम हाजिरी के लिए जस्टिफाई करने के लिए जिसमें उनके मेमोरी लॉस का भी और स्किज़ोफ्रेनिया का था ये भी सर्टिफिकेट मीडिया में इस तरह की खबरें आई लेकिन जो भी उनको हार्ट प्रॉब्लम था या जो भी डिजीज थी उन्होंने अपना इलाज कराया लेकिन ये नहीं था ये सब चीज नहीं थी जिस तरह अभी मेंटेलिटी की बात हुई कि अगर वो कमजोर है तो वो बंदा तो अमूर हुकूमत एक दिन भी नहीं चला जो अपना घर भी नहीं चला सके जिसको अपना होश ना हो असल चीज ये है कि जो मेंबर होगा चाहे वो प्रोविंशियल हो नेशनल हो सेनेट वो आकिल बारे समझदार ये सारी चीजें उसकी शराइत इस में आती में एक दिन नहीं निकाल सकता तो वो और इस तरह जिस तरह हम लोग यहाँ पर काम करते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर तो तमाम पूरे मुल्क का सरबरा और वो तमाम तमाम आप एग्री कर रही है ना डॉक्टर साहब से कि प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं वो ठीक हैं मतलब कोई ऐसा हार्ट की बीमारी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है रोजाना यहाँ पर कितने बाईपासेस हो रहे हैं आप तरीके इंसाफ से एग्री नहीं करते इस मामले देखिए मैं इस बात को नहीं कहती ले इसी तरीके से जैसा अभी इन्होंने कहा तो असेंबली के अंदर की बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने वहाँ पर भी स्पीच की सब कुछ है लेकिन देखिए ना उस स्पीच से भी तो कितने सारे मसाइल ने जन्म लिया उन्होंने कहा जी 70s के उसमें हमारे वालिद साहब यहाँ से पैसे ले गए थे जिस टाइम पैसे ले जाना ही मना था ये कह रहे ना भागने वाली बात कर रहे थे हमने फॉरेंसिक तो नहीं करना ना अब ये छोटी-छोटी बातें हैं वाली बातें कर रहे हैं ये जब पीआर में जाएंगे लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर इसमें चलेगा मुझे ये बताने जैसा हर बीमारी का होम्योपैथिक इलाज भी होता है तो क्या सियासत में भी तो होम्योपैथी यही तो है कि आप सिलो जो है हम वहाँ पे असेंबली में तमाम अमूर को बैठ के डिस्कशन भी कर रहे हैं बातचीत भी कर रहे हैं ये होम्योपैथी तरीका बेहतर होता है आपके ख्याल में होम्योपैथी मैं समझती हूँ साइड इफेक्ट तो नहीं होते कम से कम साइड इफेक्ट आपके ख्याल में खान साहब की तरीके से पैदा हो रहे हैं साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए मामला चलते रहना चाहिए जमहूरियत चलती रहे जमहूरियत और तनकीद भी होनी चाहिए अपोजिशन जो है वो तनकीद करेगी जहाँ पर हुकूमत की गलतियाँ कोताहियाँ नजर आएगी ये अपोजिशन का काम है तो ये जमहूरियत का हुस्न है जमहूरियत चलती रहनी चाहिए जमहूरियत को डिरेल नहीं होना चाहिए इस मुल्क ने बड़ा नुकसान उठाया है जमहूरियत की वजह से मैं थोड़ा सा ये आपको एक सुनाना चाहता हूँ साबिक सेक्रेटरी कानून जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रजा खान साहब उन्होंने कोई महीना पहले ही सेक्रेटरी कानून के ओहदे से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उन्होंने अपना मुद्दत ओहदा पूरा कर लिया उन्होंने ये राय दी कि अगर वज़ीर आज़म इस तरह की सिचुएशन में हैं तो ये हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि एक नोटिफिकेशन या एक ऑथराइजेशन जारी करे एक सीनियर वज़ीर के लिए तो उस वाले से ज़रा मैं आपको उनकी कल के हमारे प्रोग्राम में राय दी वो सुनाना चाहती हूँ जी असली तौर पे अगर रूल्स ऑफ बिज़नेस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बने और रूल्स ऑफ बिज़नेस में फेडरल गवर्नमेंट ने ये इख्तियारात देते हुए ये इख्तियार दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि वो किसी को नॉमिनेट कर सकता है जो कैबिनेट के सारे डिसीजंस को कैबिनेट की सारी मीटिंग्स को तो क्या ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें सीनियर मिनिस्टर का ओहदा दे दिया गया हो ये तो देखे ना ये तो हुआ या नहीं हुआ ये तो गवर्नमेंट से पूछे मैं तो कानून की बात करता हूँ आईन की बात करता हूँ रूल्स ऑफ बिजनेस की बात करता हूँ कि उसके तहत प्राइम मिनिस्टर इख्तियार दे सकते हैं किसी को ऑथराइज कर सकते हैं आप ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ इसहाक डार साहब को जवाब दे होंगे अगर इस किस्म और मालूमात देने के पाबंद होंगे जो प्राइम मिनिस्टर को दी जाती थी अगर इस किस्म का कोई नोटिफिकेशन हो चुका और इस किस्म की कोई ऑथराइजेशन हो गई तो प्रैक्टिकली वो अगर कैबिनेट की मीटिंग को हेड कर सकते हैं तो वो सारी की सारी चीजों में प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस किस्म के नोटिफिकेशन के बगैर ये नहीं हो सकता ऑथराइजेशन मुझे नहीं पता आपके भी इल्म में किस मेरे ख्याल में अभी तक तो नहीं हुआ जी डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन हुआ कोई ऑथराइजेशन हुई किसी वजीर के लिए पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि सरबराह मुल्कत किसी भी दुनिया का वो छुट्टी पे नहीं जाता अगर वो उसको बीमार है तो मेरी बात सुने अगर वो बीमार है तो वो सिक लीव पे बंदा जा सकता है एक दो दिन चार पांच हफ्ते के लिए ये कोई इतना ये चीज़ है ही नहीं
ना कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है। आपके सेक्रेटरी कानून कह रहे हैं मेरे, चलो देखें सेक्रेटरी कानून जो आप इतना अरसा आपको मशवरा देते रहे, ये मेरे था कि 4 घंटे बेहोश रहेंगे, बेहोश क्या बनेगा, आज हो गया सब कुछ, आज आउट नहीं होगा, मामला वहां से बैठ के उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर यहां काबीना का इजलास भी कर लिया क्योंकि वो वक्त की जरूरत थी और उन्होंने किया बहुत, और उन्होंने साइन किए हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, वो भी दिखाए, सब कुछ हुआ, और बजट भी आप तीन को पेश हो रहा है, ऑपरेशन भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो होश में भी आ गया, सारे मामला, तो आप रोला क्या है? इस बात पे छोटी छोटी बातों को हम इशू बनाने के बजाय हम मसाइल, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये सेक्रेटरी कानून थे, कोई इतनी छोटी बात नहीं कर रहे थे के सेक्रेटरी कानून ये कहा, और हो सकता है वो एक महीने, अगर कोई लंबा होता है काम मेरी खुदा न खास्ता, अगर कोई लंबा होता है, अगर इसकी जरूरत को महसूस किया जाता तो इस वक्त वैसे निजाम हुकूमत कौन चला रहा है पाकिस्तान में, निजाम हुकूमत चल रहा है, सारे इदारे पार्लियामेंट चल रही है, चल रही है, मिनिस्टर ऑफ चार्ज वजीर कौन है, आपको मेरी बात सुनो, इंचार्ज वजीर एक मुझे ये बताएं, फौज चल रही है, अदलिया चल रही है, आपका मीडिया चल रहा है, मेरी आप बात सुन लो, वकील चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी चल रही है, चीफ सेक्रेटरी चला रहा है, उसके बाद आपके मिनिस्टर्स अपना अपना काम कर रहे हैं, एमएनए एमपी अपना काम कर रहे हैं, बजट को पेश हो रहा है, इसमें रोला किस चीज़ का, इसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म के मुख में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात नहीं है, ये तो रूटीन का काम है, ये रूटीन का काम है, तो कोई नहीं, अगर दौरे पे भी तो जा सकते हैं, एक सेकंड, दो तीन दिन दौरे पे भी जा सकते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम होएगा कि जो सपोज खुदा ना खास्ता देयर इज सम ट्रू इमरजेंसी, सपोज कोई दुश्मन मुल्क हमला कर देता है, कुछ और होता है, तो उसको कैसे टेक केयर करना है, इसका कुछ सिस्टम होएगा, ऐसे नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर चला गया तो डॉक्टर अपने मरीज देख रहे हैं और फौज जो है वो अगर कोई इमरजेंसी हो गई है कमांड कौन जारी करेगा, बिल्कुल ऐसे नहीं, जी डॉक्टर साहब, वन डिसीजन पावर, यही बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट ने देखो आज से उन्होंने 12 घंटे पहले कैबिनेट के 4 घंटे नस्तीजे मेरे अब नहीं, अगर इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी हो जाए तो आप भी बात कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर 10 मर्तबा आए हैं जो कि उनके पड़ोस में लंदन वो ज्यादा चले जाते हैं, वो लंदन तो हर 10 दिन के बाद भी जा सकते हैं, तो आप जब प्राइम मिनिस्टर इस तरह से मामला चला रहे हैं तो वो चल ही रहे हैं, तो दूसरा वो किसी सीनियर वजीर को कर सकते हैं, कौन है सीनियर वजीर इस वक्त आपके, भाई देखो अब देखो अभी नोटिफाई हुआ है चौधरी निसार साहब हैं, नहीं नहीं देखें वो जिसको भी करेंगे उनकी अपनी पावर है, मैं उसमें मेरी पावर में है नहीं, मतलब सीनियर वजीर कौन है, सीनियर वजीर कोई तो डेजिग्नेटेड होता है ना, आपको तो इल्म में होगा, कोई नहीं बात, जब हमारी एजी अभी इतनी है उनके साथ आने की, जैसे जैसे लोग पुराने हैं उनका हर का हक है, देखें जो खुर्शीद शाह का है वो अपनी जगह ले सकते हैं, हम इसलिए अच्छा डॉक्टर साहब मुझे आप ये बता दें, बल्कि मैं शायद आपसे जानना चाहूँगा, आपके ख्याल में नून लीग या हुक्मरान जमात जो है वो मामले को थोड़ा महीना 2-3 महीने आगे क्यों बढ़ाना चाह रही है, ये वक्त कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल में, ये अगर इस तरह बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं, मामलात को जल्द ही सॉल्व करना चाहिए ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंचे, कौम भी मुतमईन हो, मुल्क भी तरक्की करे और कौम भी मुतमईन हो सके, लेकिन अगर ये उसको डिले कर रहे हैं, उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं, हम मुकाना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि मामलात को फौरी तौर पर हल किया जाए, आपने देखा कि अपोजिशन जब तक शोर मचाती रही, प्राइम मिनिस्टर आ गए, हम एक नतीजे पे पहुंचे और वहां पर टीओआर के ऊपर कमेटी बन गई, वो वहां तक सब सही रहा, अब उस कमेटी को हुकूमत को अपने रवैये में हुकूमती अरकान जो हैं उन्हें लचक लानी चाहिए और इसको जो भी प्राइम मिनिस्टर पे या जिन पे भी इल्जाम हैं उसको जो है उनको क्लियर करना चाहिए, टीओआर पर बैठकर बात करनी चाहिए, शायद आप समझती हैं कि नून लीग वाले जो हैं वो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की डेट के करीब जाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं, मगर ये कर रहे हैं, अगर ये डिले कर रहे हैं तो ये अपना नुकसान कर रहे हैं, एक तासुर है कि आप भी शायद ये चाह रहे हैं कि मामला 1-2 महीने आगे चला जाए, नहीं हम तो ये चाह रहे हैं कि इसको फौरी तौर पे सॉल्व किया जाए ताकि मामला सॉल्व होंगे तो हम तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, हम कुछ कर सकेंगे, मामले को नवंबर तक के करीब नहीं ले जाने चाहिए, अगर हल करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, हम 2 दिन में बैठ कर इसको हल कर लें, लेकिन आज देखें ना कि ख्वाजा साहब सीनियर मेंबर्स की क्या लैंग्वेज की, किस तरीके से वो मेंबर्स हैं, उन्होंने किस तरह बात की, उनसे ये तवक्को तो नहीं की जा सकती ना, तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाह रहे हैं कि इसको सॉल्व किया जाए, डॉक्टर साहब कितना टाइम का तो बड़ा है, कितनी देर आपके ख्याल में, पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल अगर हमने ये इसको लिंगर एंड करना होता तो ये हम क्यों कमेटी बनाते, और लिंगर हैं अपोजिशन कर रही है, मेरी आप बात सुने, अपोजिशन पहले दिन से ये इनका पहले आपस में इत्तफाक नहीं था,
फिर इसके बाद हर बंदा अपनी अपनी बोली बोल रहा था। अब भी इनके इशू ये हैं कि इनको पता है कि जब ये सारे लपेट में आएंगे तो ये चीखेंगे, इसलिए ये खुद इसको आगे ले जाना चाहते हैं। पूरी अपोजिशन मुत्तहिद हुई है। चलें, लेट्स हैव डॉक्टर, अल्लाह करे मुत्तहिदी रहे डॉक्टर, क्या ख्याल है? लेट अस गिव डॉक्टर्स हिज लास्ट वर्ड। आपके लिए मसला आ जाएगा। नहीं नहीं, हमें कोई मसला नहीं है डॉक्टर साहब। दिस बेसिकली ये जो हार्ट का प्रॉब्लम है, इसके आगे तो बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े हुक्मरान बेबस हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में ऐसे मरीज को अपनी जान को प्रेफर करना चाहिए या उस सियासत और इक्तदार को, मिस आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ख्याल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ही शुड लिव अ नॉर्मल लाइफ अगर आफ्टर दिस ऑपरेशन, लाइक अ पर्सन हु डज नॉट हैव अ डिजीज। अगर उनका कॉम्प्रोमाइज खाड़े लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैं और हमारा रोज का काम है ये, बाईपास एंजियोप्लास्टी के बाद लोग अपनी लाइफ में बड़ा एक्सेल कर रहे होते हैं। लेकिन ये फैसला किसी न किसी स्टेज पे शायद करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भट्टी साहब, शाहजा रहमानी और डॉक्टर अख्तर बंदशाह। हमने ये जानने की कोशिश की कि सियासत के दिल में वो जो कहते हैं सियासत के सीने में जो दिल होता है, क्या उसका भी पाकिस्तान में कामयाब बाईपास हो चुका है या नहीं। मगर इन तमाम बातों के बावजूद हम एक बार फिर ये दुआ करते हैं और तवक्को करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पे सेहतयाब होके वापस आएँ और उन तमाम प्रेशर्स और दबाव का सामना करना करें जो कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, और फिर अहम फैसले भी करें और अपने अख्तियारात का इस्तेमाल भी करें। आइंदा चंद महीने इस हवाले से बहुत अहम हैं क्योंकि आइंदा चंद महीनों में बहुत अहम फैसले भी होने हैं, और उनमें से एक हमारे नए आर्मी चीफ की नामजदगी का फ़ैसला भी हो सकता है। अपना अपना गिरबान से इतना ही, मतीला जान को जान दीजिए। अल्लाह हाफिज़।